सड़क पर नियम कानून तोड़ने वाले वाहनों की कौन कहे, आरटीओ अफसर अपने परिसर में ही हो रही वसूली पर आंखें मूंदे हुए हैं। प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने के लिए 30 रुपये पेट्रोल गाड़ी और 40 रुपये डीजल गाड़ी का शुल्क निर्धारित है, लेकिन वसूले जा रहे हैं 80 से 120 रुपये। आपको बताते हैं कि ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं कोई आपत्ति करता है तो ये लोग प्रमाण देने से ही इनकार कर देते हैं। दरअसल प्रदूषण प्रमाण पत्र पर पहले कोई ज़्यादा धन नहीं देता था, लेकिन नए प्रावधान से इसकी जुर्माना राशि ज़्यादा होने की वजह से लोग इस कमी को दूर करने की कवायद में लग गए हैं। लोगों की इसी मजबूरी या फिर यूं कहें कि नियम के पालन करने की कोशिश का फ़ायदा दुकानदार उठा रहे हैं। पहले जहाँ रोज़ाना 25 से 30 वाहन ही प्रमाण पत्र को आते थे, वहीं संख्या अचानक बढ़कर 300 के करीब हो गई है। नए प्रावधान में जुर्माने से बचने के लिए लोग अचानक जागरूक हुए हैं, यही वजह है कि वसूली भी बढ़ गई है। पहले 10 या 20 ज़्यादा लेते थे तो अब निर्धारित शुल्क का 5 गुना तक वसूला जा रहा है। इसी वसूली की शिकायत पर बुधवार को जब SP ट्रैफिक इन केंद्रों पर पहुँचे तो यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल छा गया। अवैध वसूली करने वाले दलाल SP ट्रैफिक को देखते ही वहाँ से फरार हो गए। वहीं SP ट्रैफिक प्रदूषण प्रमाण पत्र देने वाले टेबल पर जानकारी के लिए पहुंचे थे, लेकिन सर्वर डाउन होने से जांच पूरी नहीं हो पाई। वो आम लोगों से अपील भी किए कि जो शुल्क कागज़ पर लिखा हुआ है सिर्फ उसी ही फीस दें, अधिक रुपया अगर कोई मांगता है तो उसकी शिकायत उनसे सीधे करें। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, लेकिन आप लोग भी जो पर्ची में रेट हो वही रेट डाउन हो गया है। सर्वर जब तक नहीं होगा लोग बंद कर दिए, हर बार कोई डर नहीं है, चलन कैसे काट देगा भाई, सार्वजनिक स्थान पे रहेंगे। देखिए, हम लोगों को जानकारी मिल रही थी, फेसबुक में भी लोग कंप्लेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप में भी कंप्लेंट कर रहे थे, और वैसे भी मीडिया में भी पब्लिश हो रहा था कि ये जो है अनधिकृत रूप से रेट ले रहे हैं। इसके वजह से मैंने पूरी जानकारी दी और लोगों से बताया कि आप लोग वही पैसा देंगे जो पर्ची में लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर आपसे ज़्यादा मांगता है आप मुझको बताइए, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी मैं उसके खिलाफ़ करूँगा। अभी बता रहे थे लोग, लेकिन चूंकि सब जगह पे सर्वर डाउन थे तो वो चीज़ पुष्ट नहीं हो पाई, लेकिन ये है कि उनको हिदायत दे दी गई है कि जनता को परेशान न करें और जो वाजिब रेट है, जो आपका पर्ची रेट लिखा हुआ है वो आप लें।